नाम क्या है? मेरा नाम है शबीर अहमद। शबीर अहमद? हाँ सर। अच्छा, तो शबीर अहमद जी हम लोग को कॉफी पिला रहे डालने के बीचों बीच, चखना तो पड़ेगा वो भी ताजमहल के। अरे भाई नहीं, हमारे लोग खोला खोली नौका वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख रहे आप लोग, देख सकते हो कि मैं पूरा एकदम ड्रेसअप करके रेडी हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ शिकारा राइड पे। ठीक है, मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कश्मीर आऊँगा। ठीक है, वेरी गुड, बाइक लेके आऊँगा जिंदगी रे जी, जिंदगी में नहीं, उसके बाद कश्मीर आऊँगा, आके बोट में रहूँगा जिंदगी। ये ख्वाब मैंने अपने माता पिता के साथ देखा कि माँ बाप को शिकारा में घुमाऊँगा। तो हम लोग को तो शिकारा मिल गया है, मैं फिर आ रहा हूँ 3-4 महीने में मम्मी पापा को लेके बाइक कार। ठीक है, और ये है अपना कश्मीर डाल लेक, और शिकारा में हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा ट्रैवल करने, तो साथ में रखिए, साथ में रहिए। और हम लोग ये शिकारा में है, देखिए HB न्यू कुस्तोरा, और वो है अपना शिकारा, आई अपना हाउस बोट। तो फिलहाल हम लोग बाइक निकाल के जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे शिकारा आएगा, फिर मिलते हैं शिकारा के ऊपर। साथ रहिए, कहीं मत जाइए, टाटा। तो फिलहाल तो मैं आगे पहुंच गया शिकारा टैक्सी स्टैंड, भाई का बाइक मैं खुद चलाया, और अभी यहाँ से शुरू होगा शिकारा चलाने का जो एक्सपीरियंस। हम नहीं चलाएंगे, अच्छा देखिए ये मैं अच्छा। तो हम पहुंच गए शिकारा स्टैंड, जहाँ से सब बोटे वगैरह छोड़ते, मैं अलोकदा और प्रतीक, और भैया ने हम लोग को लेके आया बहुत ही सेफ से वहाँ से। और देखिए मैं शिकारा हुए हैं, ये होते ही शिकारा, अभी इसका राइड हम लोग करने वाले क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम कश्मीर, और फर्स्ट टाइम बाइक लेके कश्मीर और शिकारा में भी, तो बहुत मज़ा आने वाला है मेरे को मालूम है, बहुत मज़ा आने वाला है मालूम है। और एक बार आपको थोड़ा बाहर का पोर्शन एक बार दिखा दूँ कि श्रीनगर कैसे दिखता है। पूरा पहाड़ वहाँ पे है, सराउंडेड बाई पहाड़। चलिए तो फिर चलते हैं। मैं तो अपनी बाइक रख के आया हूँ भाई, कोलकाता से कैलकाटा से बाइक चला के आया, कल जाऊंगा मैं लद्दाख। आज बाइक रख दो भाई, आज बाइक नहीं चलाना है, तो मैं दूसरा का बाइक लेके आया। ठीक है, क्यों बोल रहे चलो चलो चलो, चलिए ये वाला भाई, वो वैसा नहीं है क्या? वो अनेक खर्चा, अनेक खर्चा, कोई दरकार नहीं। तो ठीक है, तो मैं तो वहां से भी चढ़ सकता हूँ। अरे आज संभाल के भाई, संभाल के भाई, वैसे गाड़ी कौन सा है? ये वाला भाई, ये है गाड़ी, मैं उस पर चढ़ूंगा, वो भी कश्मीर आके चढ़ू। क्या कर रहे हैं भाई, हमको डर लग रहा है। चलो चलो अंदर आए, भाई ये हिल रहा है, ऐसा क्या भाई ये हिल रहा है। ओ भाई, सो जर्नी चालू हो गया है, जर्नी जो है वो शुरू हो गया है। मैं मेरे को ये ध्यान है, मैं जब पोर्टीर बिल में गया था ना बाराशात के वहाँ पे, तो मैंने ये शिकारा राइड लिया था। ठीक है, और ये बोट काफ़ी खतरनाक है, तो थोड़ा नेचर बोटिंग नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट? तो इसीलिए एक बार दिखाता हूँ, देखिए। हाँ
कलकत्ता से नहीं बाइक वहाँ से लाई, ये हमने यहाँ पर रखी ना अपनी पार्किंग पर रखी थी। ओके ओके पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ जिंदगी में, जो कुछ भी कभी जिंदगी में सोचा नहीं था वो हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं शिकारा में बैठा हूँ मैं जिंदगी में कश्मीर तो आता ये तो तय है, लेकिन कश्मीर आके मैं बाइक कश्मीर कलकत्ता से बाइक चला के मैं कश्मीर आऊँगा, यहाँ से लेह लद्दाख जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं हाउस बोट में रहूँगा और शिकारा में हम तीनों दोस्त के साथ चलूँगा, ये मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कसम से भगवान का। अब भगवान को मैं थैंक्स बोलता हूँ, मम्मी पापा को थैंक्स बोलता हूँ। ठीक है अभी देखिए इनका घर देखिए कैसा है, लोग सब यही पे रहते हैं, शिकारा में ही रहते थे। हेलो क्या नजारा है यार। सो गाइस क्या बताऊँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं अंदर से, बहुत खुश हूँ। दूर देखिए वो दिख रहे पहाड़ और ये पानी काफी ठंडा है और जस्ट मैं जो हूँ ना डाल लेक का मजा ले रहा हूँ। सो ये है भैया लोटस लेक, ये आप देख सकते हो सामने जो शिकारा पास कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, सभी अच्छे हैं। और देखिए शिकारा के पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, मन छू जा रहा है, मेरा मन जो है ना वो बहुत खुश है आज, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं सारा दुनिया घूमना चाहता हूँ। सो फाइनली हम लोग लोटस लेक के अंदर घुस गए, ये है लोटस लेक, यहाँ पे सब घर बना के रहे होते हैं, रहते हैं। सो गाइस ये जो डाल लेक का पानी आपको दिख रहा है ना, ये काफी मोटा है, ये बहुत दिन से यहाँ पे ना पानी ये बहुत मोटा है और वाव। तो गाइस आप देख सकते हो सामने ये डाल लेक के ऊपर कितना सुंदर एक तो हाउस बोट है, अगर आपको ये डाल लेक के ऊपर हाउस बोट्स में रहना है तो आपको ये सब बोट्स में रहना है, जो कि बहुत अच्छा लगता है रात को। और हम लोग भी हाउस बोट्स में है जो कि थोड़ा दूर है डाल लेक के अंदर, ये थोड़ा दूर है, और जस्ट एक बार मज़ा लीजिए एक बार, वाओ। दोस्तों अगर मेरा कुछ हुआ तो मेरी मॉम एंड डैड को बोलना, क्योंकि मैं जब जा रहा था अभी भाई मेरे को बोला बोट के नीचे पानी है, हम सोचा हाँ भरा हुआ पानी है, बोले बोट का अंदर पानी है, बोला ना अंदर नहीं है, देखना पड़ता है। मतलब क्या देखना पड़ता है भाई, हमको तैरना नहीं आता है, मैं स्विमर था छोटा साल में, जब छोटा था तब हुआ था, उसके बाद सब भूल गया। एक चीज तो मैं भूल ही गया था ना, मैं तो जन्नत में हूँ ना, और जन्नत है कश्मीर, और कश्मीर के डाल लेक के ऊपर हम लोग अभी ये जो शिकारा राइड ले रहे हैं, ओए होए 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 मजा आ गया। वो देखिए, अरे 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 अरे, ये भाई साहब सब्जी बेच रहे हैं डाल लेक के ऊपर, वो दूर देखिए हाउस बोट से कितना सुंदर, वो देखिए दूर में कितने सारे हाउस बोट्स, आप वहाँ पे रहोगे ना तो आपको शिकारा राइड एक के लिए हम लोग के जैसा दूर नहीं जाना पड़ेगा, एकदम वहीं से उतरिएगा डाल लेक में, शिकारा राइड किए उसके बाद फिर होटल में चले गए, उसका अंदर ही होटल है, रूम्स है जो बहुत ही खूबसूरत है। और कश्मीर आइए और आके ये राइड जरूर कीजिए। हम लोग अभी डाल लेक के बीचों बीच, हम लोग को इतना मस्ती सुझाए, हम लोग अभी कॉफी पियेंगे, कॉफी चलिए ठीक है, कॉफी दादा बना रहा है तो 3 कप कॉफी, सॉरी मैं उसके 90 कर, भैया आपका नाम बताइए। नहीं भाई मैंने गोल ठेका किया ना, हाँ
मैंने अपनी तरफ से 6 का किया। ठीक है चलिए, 3 कप कॉफी 100 रुपए में, doesn't matter। ये मजा आएगा इसमें। नहीं नहीं, बोला कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शबीर अहमद। शबीर अहमद? अच्छा, तो शबीर अहमद जी हम लोग को कॉफी पिला रहे डाल लेक के बीचों बीच। चखना तो पड़ेगा, वो भी ताजमहल के कप और ब्रू भी है। ओए होए 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 होए, मजा आ गया, मजा आ गया। शम्मी कपूर खाली बाकी है और वो शम्मी कपूर का कश्मीर का कली, कश्मीर की कली। यस, एक चांद सना से चेहरा यहाँ पे अच्छा लगा। आप लोग का डरू क्या उसकी जिसने मेरे को तो बहुत पसंद आया, कॉफी का भी वो हटा दिया। थैंक यू जी, कॉफी पिलाने के लिए थैंक यू। ठीक है भैया, तो चले भैया, तो चले। और मैं कॉफी में पहला घूट मारने वाला हूँ। चम्मच कॉफी बहुत अच्छी मिली। कमीने, कुछ तो बोल पीछे से। बहुत शानदार कॉफी बना हुआ है भाई ने, बहुत अच्छा कॉफी पिला, वो भी डाल लेक के बीचों बीच फकीरा में। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। में नहीं भाई, शिकारा में। सॉरी शिकारा में, सॉरी हम मैं खाली शकीरा शकीरा कर रहा हूँ। मारो, शकीरा तो सिंगर है। सॉरी सॉरी माउथ स्लिप ऑफ माउथ, ये क्या है ना, मैं शकीरा शकीरा कर रही, सॉरी ये शिकारा शिकारा होगा। अब बच्चा है, जान थोड़ी लोगे, डर के मारे कुछ भी बोल सकता हूँ, है कि नहीं? बच्चे को माफ कर दो, भावनाओं में बह गया है बच्चा। बहुत शानदार बना है, एकदम ठीक से बहुत शानदार बना है। आप लोग भी मेरा ये ब्लॉग देखे, जो जो लोग अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हो उनसे विनती है कि कृपा करके मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कैसा है कैसा नहीं है। और मेरा बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, इंटरनेशनल राइड्स भी आ रहे हैं, और प्लीज़ थोड़ा पूरा वीडियो देखें और यहाँ पे आके ये कॉफ़ी शबीर भाई से कॉफ़ी ज़रूर पिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पी के। अभी तक सूर्य जो है ना वो सनसेट हुआ नहीं है। यहाँ पे सभी शिकारा का, मैं खाली शकीरा शकीरा बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, शिकारा राइड का मजा ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। खाली एक चीज लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मम्मी पापा के लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि उनको नेक्स्ट ईयर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ये वाला राइड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला लाइट करवाना ही पड़ेगा। एक बार सारा नज़रिया देखिए, आपको ना होश उड़ जाएंगे। जो कि मेरे जैसे पब्लिक बहुत है जो अब तक कश्मीर नहीं आए, तो प्लीज़ आ जाइए। कोई पाबंदी नहीं है कि आपको आके 10 दिन रहना, नहीं 2 दिन रखिए, आकर ये डाल लेक में ये शिकारा राइड ज़रूर लीजिए। फिलहाल तो ये जो शिकारा राइड है, हम लोग तो यहाँ पे कॉफ़ी भी पिए। बार्गेनिंग करके लीजिएगा, 50 रुपया मांगे थे हम लोग, 30 करके दिए। और जो है सबसे बड़ा बात है ये है, जो शिकारा राइड 2 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए 1500 रुपया। ठीक है, तो 2 घंटा राइड कर लीजिए ना, जीवन का पैसा तो बहुत जगह हम लोग उड़ा देते हैं। अगर कुछ अपने लिए हिस्से में सुख आता है, थोड़ा सा पैसा देके, ठीक है घर जाके थोड़ा सेविंग्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आज का तो मज़ा ले लेना, कल तो फिर हम लोग भी निकल जाएंगे लेक की तरफ। तो एक बार नज़रिया देखिए, दूर ऊंचा पहाड़, यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर में, ये लहा डाल ले, सब मन शांति मिल गया। थैंक्स टू मॉम एंड डैड, वो नहीं होता तो मैं आज नहीं होता। थैंक्स मॉम। सो फिलहाल तो अभी बजा है शाम के 8:10, जो हम लोग का कलकत्ता में क्या होता है ना, 8:10 मतलब पूरा इवनिंग है, पूरा अंधेरा छाया गया भाई, स्ट्रीट लाइट सब जलते हैं, 5:30 बजे से स्ट्रीट लाइट जलते हैं, सब कुछ जलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, 8:10 बजा है, अभी तक सनराइज, सन थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ है। कल भी मैंने देखा कि वो जम्मू में 8:25 तक ऐसा लाइट था, देखिए ऐसा लाइट जो दिख रहा है वो लाइट था, जम्मू में लाइट था। और यहाँ पे कश्मीर में भी देखिए, डाल लेक में हम लोग अभी सवारी कर रहे हैं, आप खाली देखिए, दिखा रहे हूँ, देखिए लाइट अभी भी है,
शाम के 8-10 बज गए हैं, सूरज अभी भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे है, सूरज अभी भी थोड़ा थोड़ा है। क्या लग रहा है यार, शिकारा का कोई टाइमिंग तो है नहीं, सवेरे से रात को 12-1 बजे तक चलता है। आप ये मत सोचिए कि ये बाबा हम लेट हो गए, नहीं, अगर आप शाम को 7 बजे भी पहुँचते हो ना तो फ्रेश होके 1 घंटा में आ जाइए, पूरा शिकारा में घूम लीजिए और पूरा मज़ा ले लीजिए। यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि टाइम पाबंदी नहीं है कि इसी टाइम पे आपको घूमना है। सो वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम डाल लेक, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हो सामने ये भाई साहब का शिकारा में कितना सुंदर लाइट वगैरह लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। सो आप देख सकते हो कि रात का जो ये राइड होता है ना शिकारा का, कैसे लग रहा है देखिए। यहाँ पे सब बंदे रहते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पे प्लेट्स वगैरह सब कुछ है, रह सकते हो, ठीक है। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है रात को, रात को लाइट्स का मज़ा आ रहा है ना, सवेरे आपको ये लाइट्स दिखेगा नहीं, सवेरे का मज़ा कुछ अलग है लेकिन रात का मज़ा तो बहुत ही अलग है। सो गाइस सोचिए मत, जल्दी से सामान पैक कीजिए और कम टू कश्मीर एंड हैव शिकारा राइड। सो गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग अभी जा रहे हैं शिकारा स्टैंड, वहाँ से चल जाएंगे हम लोग का होटल यानी हाउस बोट जहाँ हम लोग रह रहे हैं। बहुत ज़ोर की भूख लगी है और दूर जो दिख रहे सब है वो है हाउस बोट्स, डाल लेक के ऊपर हाउस बोट्स जो कि बहुत अच्छा है। सो फिलहाल फिर हम आगे अपने होटल, होटल नहीं कह सकते, ये अब हम लोग का हाउस बोट है जहाँ पे हम लोग आज रात को रहने वाले। तो मेरी गड्डी जो है कलकत्ता से, मेरी साथी ये पे खड़ी है, ठीक है, और वो रहा हमारी बोट, ठीक है। तो चलते हैं नीचे कुछ खाना वाना, भूख बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाना वाना तो चाहिए ना, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो मिलते हैं नीचे आके, साथ रहिए, कहीं मत जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, डाल लेक। एक बहुत अच्छी नींद आई है और यहाँ पे ठंड